Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you will be fine. Today we are going to discuss compound and makeshift. As we have already discussed in lecture number 3, that both are form of matter. What is matter? Anything that has mass and volume is known as matter. When it was in pure form, that was known as substance. When it was in impure form, we call it mixture. आज हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे. ये सब्सटेंस जब सिंपलेस्ट फॉर्म में था हमने एलिमेंट कहा, और जब वही सब्सटेंस में एलिमेंट्स कंबाइन हुए तो हमने कंपाउंड कहा. अब कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं. केमिकली मीन इलेक्ट्रॉन्स के जरिए से उनके दरमियान कोई ना कोई केमिकल लिंकेज होता है, कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड बनता है, तो वो लिंक होते हैं. या हम किसी भी एक कार्बन के साथ तीनों ऑक्सीजन लगा दें तो क्या कंपाउंड बन जाएगा? एक हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लगा दें? नहीं. देयर मस्ट बी फिक्स्ड रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर मैस, यानी कि मैस के लिहाज से बाय मैस उनकी फिक्स रेशियो होनी चाहिए. एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मैस होता है 12 और डाइऑक्साइड है मीन दो ऑक्सीजन है. एक ऑक्सीजन का मैस है 16, दो का हुआ 32. तो अब कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशो है 12 और 32 की. अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें, 4 से दोनों साइड्स को डिवाइड करें, तो ये 3:8 आती है. मतलब ये हुआ कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 से कंबाइन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वरना कोई और चीज बनेगी. तो हम कहेंगे एक केमिकल कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं. हाउ? इन अ फिक्स रेशो बाय देयर मैस. इसी तरह से वाटर में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, 2:1+16. अब 2 और 16 की रेशो है 1:8 से जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो ही वाटर बनेगा. जब ये कंपाउंड रेडी हो जाता है तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं और नए बनने वाले कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अडॉप्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस थे, दोनों कलरलेस थी, और अब उन्होंने वाटर बना दिया जो कि लिक्विड है, जिसके प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से. कंपाउंड दो तरह के होते हैं, आयनिक या कोवेलेंट. आयनिक को हम फॉर्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड को हम मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसकी नेक्स्ट डिटेल आएगी, अभी फिलहाल आपको जस्ट रिप्रेजेंटेशन ही रेडी करना है और एक एक दो दो एग्जांपल्स जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए है. नेक्स्ट इसके टॉपिक्स हम रीड आउट करेंगे चैप्टर नंबर 4 में. आ जाते हैं मिक्सचर की तरफ. जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को हम फिजिकली मिक्स करें, फिजिकली मिक्स करने का मतलब जब शुगर अकेली थी तो हमने उसे कंपाउंड कहा, वाटर अकेला था तो हमने उसको कंपाउंड कहा, सॉल्ट अकेला था हमने उसको कंपाउंड कहा. लेकिन जब आप सॉल्ट को और शुगर को मिक्स कर देंगे, मिक्सचर है. जब आप शुगर को और वाटर को मिक्स कर देंगे, मिक्सचर है. दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को आप फिजिकली मिक्स करें तो मिक्सचर बनाते हैं, और इनमें फिक्स रेशो होना मस्ट नहीं है. आप चाहें तो एक ग्लास जामी शीरी का बनाते हुए दूध के अंदर 1 चम्मच जामी शीरी डालें, चाहे 2 चम्मच जामी शीरी डालें, चाहे 3 चम्मच डालें, आपकी अपनी मर्जी है, फिर भी वो मिक्सचर रेडी हो जाएगा. कंपोनेंट्स मिक्सचर के हम सेपरेट कर सकते हैं. हाउ? अगर तो वो दोनों लिक्विड हैं तो हम उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे. एक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो जल्दी सेपरेट हो जाएगा, जल्दी बॉयल हो जाएगा, और दूसरा जिसका हायर है बॉइलिंग पॉइंट, वो बाद में बॉयल होगा. ये दोनों लिक्विड्स को सेपरेट कर लिया. और इसी तरह से अगर आपने कोई ऐसा सॉलिड
मिक्स कर लिया है लिक्विड के अंदर जो डिसॉल्व नहीं होता, तो आप उसको फिल्ट्रेशन के जरिए से अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एस्प्रिन आपने वाटर के अंदर मिक्स कर ली है, तो आप एस्प्रिन को फिल्टर कर सकते हैं क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं होती। ये इवेपोरेशन से ऐसा सॉलिड जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो चुका है उसको आप इवेपोरेशन से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके वाटर के अंदर सॉल्ट है, आप उस वाटर को धूप में रखें, अगले दिन देखेंगे सॉल्ट नीचे बैठा हुआ होगा और वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, हवा में मिक्स हो जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन से ऐसा सॉलिड जो डिसॉल्व हुआ हुआ है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन से। फॉर एग्जांपल, शुगर वाटर के अंदर डिसॉल्व हुई हुई है, आप उसको हीट अप करें, शुगर के क्रिस्टल्स बन जाएंगे और वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेट के जरिए से, यानी कि नॉन मैग्नेटिक मटीरियल को मैग्नेटिक मटीरियल से अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपके 9th क्लास की पहला प्रैक्टिकल यही है, मैग्नेटाइजेशन से आपने सेपरेट करना है सैंड में से आयरन के पार्टिकल्स को। कैसे? आप सैंड लेते हैं जिसमें आयरन फिलिंग्स या आयरन के पार्टिकल्स मिक्स हुए होते हैं, उसमें मैग्नेट फेरते हैं, तो जो भी आयरन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे यानी कि आयरन होगा वो मैग्नेट के साथ अटैच हो जाता है। यू सैंड और मैग्नेट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दिस टेक्निक इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन। जबकि आप कंपाउंड में से कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, मिक्सचर में से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो फिजिकली मिक्स हुए हुए हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ हुआ होता। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको। एक ग्लास पानी में उसके अंदर जो 2 चम्मच चीनी डालें, डिजॉल्व करें, अब वो पानी जितना मीठा ऊपर से होता है उतना ही दरमियान से, उतना ही नीचे से। क्यों? क्योंकि चीनी जितनी ऊपर है उतनी नीचे है, उतनी दरमियान में। चीनी ने वाटर के अंदर अपने आप को बराबर का डिजॉल्व किया है। दूसरी तरफ एक और ग्लास लें, उसमें 2 चम्मच रेत डालें पानी के अंदर, ग्लास पानी से फिल किया हुआ है, उसमें 2 चम्मच रेत डालें, आप डिजॉल्व करते रहे बेशक, अब रेत नीचे बैठी हुई होगी। क्यों? क्योंकि वो तो डिजॉल्व नहीं होती है। आप सोच रहे होंगे जब हम डालते हैं रेत तो पानी तो गुठला हो जाता है, पानी का कलर चेंज हो जाता है। तो लिसन, वो रेत नहीं होती, वो रेत बल्कि प्योर नहीं होती, उस रेत में मट्टी होती है, मट्टी डिसॉल्व हो जाती है, रेत नीचे ही पड़ी रहेगी। तो वाटर के अंदर हमने सैंड मिक्स की है, हम उसको कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन अगर आपने वाटर के अंदर शुगर डिसॉल्व की हुई है तो आप ऐसे मिक्सचर को कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मीन बराबर की कंपोजिशन है, बराबर के कंपोनेंट्स हैं, इक्वल है, जितना शुगर और वाटर की रेशो नीचे है उतनी सेंटर में, उतनी ऊपर। यूनिफॉर्म कंपोजिशन जिस मिक्सचर में होती है तो हम उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। आप एग्जांपल मेंशन करेंगे और इसके कंट्रास्ट में जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती उसको हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। फिर है लॉन्ग क्वेश्चन, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस आपके बुक में दिया गया है, बट रिमेंबर आपको हेडिंग से लिखना है क्योंकि ये बहुत दफ़ा आप कह सकते हैं मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो फर्स्ट पॉइंट है, उनकी फॉर्मेशन डिस्कस की गई है कि कंपाउंड केमिकल कम्बिनेशन से बनते हैं और मिक्सचर फिजिकल मिक्सिंग से बनते हैं। कंपाउंड में कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं जबकि मिक्सचर में नहीं करते। आप खीर बनाते हैं तो उसमें आप चावल डालते हैं, चावलों का टेस्ट वही रहता है, चावलों की स्मेल वही रहती है। मिल्क डालते हैं, मिल्क की प्रॉपर्टीज वही रहती है, मिल्क की कंपोजिशन भी वही रहती है, शुगर की कंपोजिशन भी वही रहती है। तो आपने कौन सा कोई केमिकल रिएक्शन करवाया, जस्ट मिक्सअप ही तो किया है, इसलिए कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज लूज नहीं करते हैं मिक्सचर के अंदर। कंपोजिशन कंपाउंड में फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास होती है। फॉर एग्जांपल, हम वाटर तभी कहेंगे जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 1:8 होगी।
जबकि मिक्सचर में तो आपकी अपनी मर्जी थी, चाहे जितना मर्जी जामिश्री आप दूध के अंदर ऐड करते जाते। कंपाउंड में हम सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते कंपोनेंट्स को। आप अपने हाथ पे अगर वाटर का ड्रॉपलेट रखते हैं, जितनी मर्जी कोशिश कर लें उसको दबाने की, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके देख लें, उसको ब्रेक डाउन करने की जो भी कोशिश कर लें, वाटर ब्रेक डाउन नहीं होगा आपसे। लेकिन हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते थे, कैसे? डिस्टिलेशन से, इवेपोरेशन से, क्रिस्टलाइजेशन से, सो ऑन। कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl कॉमन सॉल्ट के लिए यूज किया जाता है, H2O वाटर के लिए यूज किया जाता है। लेकिन कभी आपने पढ़ा कहीं पे सॉल्ट मिक्स किया हुआ वाटर में कोई फॉर्मूला? नहीं, उनका कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि केमिकल रिएक्शन ही नहीं हुआ। कंपाउंड होमोजीनियस होते हैं। शुगर है ना, तो उसमें C6H12O6 ग्लूकोज के अंदर हर जगह पे है। ग्लूकोज के अंदर, शुगर के अंदर, वाटर के अंदर, सैंड के अंदर, हर जगह पे जो पार्टिकल्स कंपोजिशन है सबकी सेम है। लेकिन मिक्सचर में सेम हो भी सकती है और नहीं। जैसा कि शुगर इन वाटर होमोजीनियस, सैंड इन वाटर हाइड्रोजीनियस, तो उनकी होमोजेनिटी कन्फर्म नहीं है। होमोजीनियस हो भी सकते हैं और नहीं। कंपाउंड के शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। जैसा कि वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन वाटर के अंदर आप कोई सा भी सोल्यूट डालते हैं, शुगर डालें, सॉल्ट डालें, कोई भी चीज़ डालें, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। लेकिन कितना चेंज होगा, डिक्रीज कितना होगा या इंक्रीज कितना होगा, इट्स नॉट फिक्स्ड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।